चलो हम सभी अपना हुनर आजमाते हैं, तुम तीर चलाना, हम अपना जिगर आजमाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी खूबसूरत लाइन के साथ मैं अमित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विद द थीम ऑफ अ ब्रिज टू गवर्नमेंट जॉब। तो मैं बात करूंगा आज 14 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले आप सभी लोगों को राष्ट्रीय हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 14 सितंबर आप सब जानते हैं जैसा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है, ठीक है ना। तो हर साल 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में भी मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। तो आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के करेंट अफेयर्स की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मालदीव देश ने किस देश के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं, हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मालदीव देश ने किस देश के साथ समझौता किया है, और इसका सही जवाब हो जाता है यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएसए के साथ समझौता किया है अभी मालदीव ने। अच्छा, मालदीव की अगर बात कर लें तो मालदीव की जो राजधानी वो कहां है, माले, ठीक है। इनकी कैपिटल है माले। इनकी करेंसी का नाम क्या, रुफिया। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक बात बोल दूं, मैंने बोला रुफिया, आर यू एफ आई ए, रुफिया, नॉट रुपया। देखिए रुपया और रुफिया में अंतर है। रुपया 6 अलग अलग देशों में चलता है, 6 अलग अलग देशों की जो करेंसी वो रुपया है। जैसे अगर मैं बोलूं पी फॉर पाकिस्तान है यहां पर, आई इंडिया, सी सेशल्स, एस श्रीलंका, और उसके बाद आपका आता है मॉरिशस, और अगला आता है नेपाल। तो पिक्स ऑफ एमएन यहां मैंने लिखा है, और पिक्स ऑफ एमएन का मतलब यहां पर है पाकिस्तान, इंडिया, सेशल्स, श्रीलंका, मॉरिशस एंड नेपाल। लेकिन मालदीव में रुपया नहीं चलता है बल्कि रुफिया चलता है, तो इनकी करेंसी है रुफिया, ये बात आपको ध्यान रखना है। वहीं राष्ट्रपति का नाम क्या है, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, ध्यान रखिएगा सोलिह है, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास पर, तो सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में स्टार्टअप को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो अभी हाल ही में एक रैंकिंग रिलीज किया गया है, और इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग एक बार फिर से गुजरात स्टार्टअप को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के उस रैंकिंग में शीर्ष पर आया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात राज्य स्टार्टअप, इट मींस कि नया बिजनेस स्टार्ट करने के मामले में सबसे बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने, या कह सकते हैं कि आसान प्रक्रिया को उपलब्ध कराने के मामले में शीर्ष स्थान पर है पूरे भारत में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद में 222 करोड़ रुपए यानी कि 222 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो अहमदाबाद में अभी 222 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री मिस्टर अमित शाह के द्वारा किया गया है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा, रेजर पे के द्वारा हाल ही में कौन सी क्रेडिट सुविधा प्रारंभ की गई है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए रेजर पे जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे वगैरह यूज करते हैं, वैसे ही आपका एक रेजर पे भी एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। तो रेजर पे के द्वारा हाल ही में कौन सी क्रेडिट सुविधा प्रारंभ की गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैश एडवांस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कैश एडवांस। तो कैश एडवांस के नाम से इन्होंने क्रेडिट सुविधा प्रारंभ किया है। अच्छा, अब इसमें ये क्या करेंगे, तो इसमें इन्होंने क्या बोला है, एमएसएमई। अच्छा, एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। फिर से बोल रहा हूं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा 50,000 से 10,00,000 तक का क्रेडिट लोन ले सकते हैं, या लेने की सुविधा दी जाएगी रेजर पे के द्वारा। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, एमएसएमई जो है ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करता है, इसका फुल फॉर्म होता है। लेकिन हमारे भारत में बिजनेस का एक और रूप है जिसको लार्ज स्केल बिजनेस कहते हैं। लार्ज स्केल बिजनेस एमएसएमई का पार्ट नहीं है। अच्छा, वहीं अगर हम बात कर ले रेजर पे के बारे में, तो रेजर पे की स्थापना हुई थी सन 2013 में। इसका हेड ऑफिस है बेंगलुरु में, और इसके सीईओ हैं मिस्टर हर्षिल माथुर। फिर से बोल रहा हूं, इसके सीईओ कौन है, मिस्टर हर्षिल माथुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल है कि भारतीय डाक ने किस राज्य में 5-स्टार गांव योजना शुरू किया है। तो भारतीय डाक ने अभी महाराष्ट्र राज्य में 5-स्टार गांव योजना शुरू किया, 5-स्टार विलेज स्कीम भी कह सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में 5-स्टार गांव योजना। अब बात करते हैं जरा ये है क्या। तो देखिए, इंडियन पोस्ट ने अभी हाल ही में
जो फाइव स्टार विलेज स्कीम शुरू किया है इसका ऑब्जेक्टिव उन्होंने क्या लिया है, तो इनका ऑब्जेक्टिव है डाक परियोजनाओं को 100% यानी कि जितने भी पोस्टल स्कीम्स हैं उन सभी स्कीम्स को 100% रूरल कवरेज इसमें लेकर आना या 100% ग्रामीण कवरेज को सुनिश्चित करना इनका उद्देश्य है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लिया जाए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें सबसे पहला राज्य कहां शुरू किया गया है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में शुरुआती 5 वर्ष संविदा पर नियुक्ति पर मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में यूपी की गवर्नमेंट ने ऐसी नियुक्ति पर मंजूरी दी है कि जब भी किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब में अपॉइंटमेंट दिया जाएगा तो उस व्यक्ति को शुरुआती 5 साल के लिए उन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल रखा जाएगा, इस बात के लिए कि पहले उनका एफर्ट और स्किल चेक किया जाएगा। अगर उनका एफर्ट और स्किल उस पोस्ट के अकॉर्डिंग हुआ, टू द पॉइंट हुआ, तो इन फ्यूचर उन्हें परमानेंट किया जाएगा, अदरवाइज उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अभी यूपी गवर्नमेंट ने इस पूरे के पूरे मामले को लागू करने की मंजूरी दी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनाडा की सहयोग से कैनबिस दवा परियोजना किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। कैनबिस को हिंदी में क्या कहते हैं, भांग कहते हैं। ठीक है, और हम सब बनारसी हैं तो आपको तो बाबा भोले के प्रसाद के बारे में तो ऐसे भी पता होगा। तो कनाडा के सहयोग से कैनबिस दवा परियोजना की किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में। भारत में अभी तक ये पहली बार स्थापित किया गया और अब भांग को दवाई के रूप में यूज करने की कोशिश की जाएगी। इसमें सहयोग हमें कौन कर रहा है, कनाडा कर रहा है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे चुना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में एक बॉलीवुड स्टार है आयुष्मान खुराना, उनको सेलेक्ट किया है, कह सकते हैं उनको चुना है। ठीक है, या अपॉइंट किया ये भी कह सकते हैं। लेकिन आप समझना है यहां पर, सबसे पहला पॉइंट यूनिसेफ के बारे में बात करते हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, यू से है यूनाइटेड, एन से है नेशंस। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड, फिर से बोल रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर आई और ई का तो फुल फॉर्म आपने बताया ही नहीं है। देखिए, आई का फुल फॉर्म इंटरनेशनल और ई का मतलब यहां पर इमरजेंसी हुआ करता था, लेकिन अब इसके फुल फॉर्म से हटा दिया गया है आई और ई का, तो अब इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड। वहीं इसका फुल फॉर्म पहले क्या होता था, यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी चिल्ड्रेंस, सॉरी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। तो लेकिन आई और ई इन दोनों का फुल फॉर्म में अब मतलब हटा दिया गया है, तो इस वजह से अब क्या हो गया है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड। अब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यूनिसेफ ने अभी शुरू किया है एक कैंपेनिंग, उस कैंपेनिंग का नाम क्या है, फॉर एवरी चाइल्ड, और इस फॉर एवरी चाइल्ड नाम के लिए ही सेलिब्रिटी एडवोकेट उन्होंने किसे नियुक्त किया है, तो बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना को इसके लिए उन्होंने अपॉइंट किया है। क्लियर हो गया होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है। तो अभी आंध्र प्रदेश ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से यूआई पाथ, क्या है, यूआई पाथ नाम की संस्था के साथ समझौता किया है। अब मैं अगर बात करूं कि ये है क्या, ये काहे लिए काम करती है, या ये प्रशिक्षण जो होगा वो किस क्षेत्र का होगा, तो देखिए ट्रेनिंग किस क्षेत्र का होगा या यूआई पाथ करता क्या है, ये अगर जान जाएंगे तो दोनों का सवाल का जवाब एक ही है। ये एक रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन उद्यम है, कौन, यूआई पाथ। इसका मतलब है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने यूआई पाथ से इस बात का समझौता किया है कि उनके राज्य के युवाओं को रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में ट्रेनिंग दिया जाए। तो यूआई पाथ जो है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन में ट्रेनिंग देगा आंध्र प्रदेश के युवाओं को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने साबुज साथी परियोजना के लिए WSIS पुरस्कार जीता है। तो अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल ने साबुज साथी परियोजना, फिर से बोल रहा हूं क्या है, साबुज साथी परियोजना के लिए WSIS पुरस्कार जीता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था ने कीटाणु नाशक स्प्रे विकसित किया है। तो अभी हाल ही में ITFT चंडीगढ़ ने
कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया। अब जरा बात करते हैं कि ये कीटाणुनाशक स्प्रे है क्या। तो फलों और सब्जियों को सूक्ष्म कीटाणुओं से बचाने के लिए, यानी कि पेस्ट अटैक से, माइक्रो पेस्ट अटैक से बचाने के लिए ITFT चंडीगढ़ ने एक कीटाणुनाशक स्प्रे को विकसित किया है, डेवलप किया है। अब जरा बात करते हैं ITFT का फुल फॉर्म क्या है। तो ITFT का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर मैनेजमेंट ट्रेंड्स। फिर से बोल रहा हूं, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर मैनेजमेंट ट्रेंड्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दुनिया का सबसे बड़ा अंडरपास राज्य किस राज्य में बनाया गया। देखिए यहां पर क्या होगा, अंडरपास, ध्यान रखिएगा ये अंदर नहीं है बल्कि अंडर है। तो अंडरपास किस राज्य में बनाया गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा अंडरपास, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अंडरपास। तो अंडरपास किस राज्य में बनाया गया, MP में। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये अंडरपास है क्या। तो अंडरपास का मतलब है जंगलों के बीच से हाईवे निकालना। तो दुनिया का सबसे बड़ा जंगलों के बीच से हाईवे को, ऊपर ऊपर हाईवे को निकालने का काम अभी पूरा किया गया है, कहां पर, MP यानी मध्य प्रदेश में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा MP यानी मध्य प्रदेश। अगले सवाल पर आते हैं, किस राज्य ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना की शुरुआत की है। तो अभी हाल ही में पंजाब राज्य ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना की शुरुआत की। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पंजाब। ठीक है, बढ़ते हैं, अब बात करते हैं करेंट अफेयर एट अ ग्लांस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था कि हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मालदीव देश ने किस देश के साथ समझौता किया है। इसका सही जवाब था आपका USA। तो USA के साथ समझौता किया है। वहीं अगला सवाल मैंने आपसे पूछा था कि भारत में स्टार्टअप को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो एक बार फिर से गुजरात को शीर्ष स्थान मिला है, फर्स्ट रैंक मिला है। अहमदाबाद में 220 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो उसका सही जवाब है अमित शाह के द्वारा किया गया। रेजर पे के द्वारा हाल ही में कौन सी क्रेडिट सुविधा प्रारंभ की गई है। तो सही जवाब था कैश एडवांस के नाम से क्रेडिट सुविधा प्रारंभ की गई है। अगला क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया था, भारतीय डाक ने किस राज्य में 5-स्टार विलेज स्कीम स्टार्ट किया है। तो इसका सही जवाब था महाराष्ट्र में किया है। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में शुरुआती 5 वर्ष संविदा पर नियुक्ति पर मंजूरी दी है। तो इसका सही जवाब था उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कनाडा की सहयोग से कैनबिस दवा परियोजना किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही जवाब था जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था आपसे, यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे चुना है। तो बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना को इसके लिए अपॉइंट किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है। तो UI पाथ के साथ समझौता किया है, जो रोबोटिक ऑटोमेशन के क्षेत्र में काम करती है। किस राज्य सरकार ने साबुज सारथी परियोजना के लिए WSIS के नाम से पुरस्कार जीता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेस्ट बंगाल। अगला सवाल मैंने डिस्कस किया था आपसे, किस संस्था ने कीटाणु नाशक स्प्रे विकसित किया है। तो फलों और सब्जियों को सूक्ष्म कीटाणुओं से बचाने के लिए ITFT चंडीगढ़ ने कीटाणुनाशक स्प्रे को विकसित किया है। वही अगला सवाल आपसे डिस्कस हुआ था, दुनिया का सबसे बड़ा अंडर पास किस राज्य में बनाया गया है। तो वो MP हो जाएगा, उसका सही जवाब था MP। और सबसे आखिरी सवाल मैंने आपसे डिस्कस किया था, किस राज्य ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना की शुरुआत की है। तो इसका सही जवाब है पंजाब। तो ये था आज का सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। अब बात करते हैं कल पूछे गए सवाल पर। तो कल मैंने या लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था लास्ट वीडियो में, और वो था कि भारत की पहली किसान रेल को किन दो राज्यों के बीच चलाया गया था। और इसका सही जवाब है महाराष्ट्र एंड बिहार, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब था। बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, तो देखते हैं कितने लोग हैं वो। दीप्ति सिंह, अन्नपूर्णा सिंह, वैभव सिंह, शिवम सिंह, विपिन रावत, अमन सिंह, अमिशा सिंह राजपूत, मुस्कान तिवारी, श्वेता तिवारी, अरुण राय, कृष्ण कुमार यादव, रविशा धमेजा, जयप्रकाश पटेल, मनीष मौर्य, सचिन सिंह, प्रियंका गुप्ता, मनु, संदीप यादव, गरिमा पांडे, प्रवेश द्विवेदी, कृतांक अग्रवाल, गार्गी दुबे, आलोक श्रीवास्तव, विकास पटेल, शालिनी सिंह, अरविंद पटेल, दीपक केसरी, सतीश कुमार बर्नवाल, अनुराग वर्मा, शिवम सिंह, नरेंद्र कुमार मिश्रा, पूजा पांडे, योगेश गिरी और अजय राय, इतने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। बधाई इस बात के लिए कि आपका जवाब सही है, धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने जवाब अटेम्प्ट किया। अब बात करते हैं आज के सवाल पर। तो आज का सवाल है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर है।
ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर है? और इसके ऑप्शंस हैं चाइना, इंडिया, हांगकांग, सिंगापुर, नन ऑफ दीज। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। तो अधिक से अधिक लोग इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। आपको जाते जाते एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि आज से दोपहर 1:30 बजे से यानी कि 1:30 PM पर आरआरबी का एग्जाम होने वाला है, प्री क्लर्क एग्जाम जो होने वाला है, उसके लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फ्री जो है मॉक टेस्ट वीडियो आज से लाइव दिया जाएगा आप लोग के बीच में। तो आज से आज वो क्लास शेड्यूल किया गया है, आज रीजनिंग की मैथ्स की क्लास है, कल रीजनिंग की क्लास होगी। तो आपको जुड़ना है, अधिक से अधिक मात्रा में जुड़िए और भी लोगों को बताइए जो लोग आपके जानने वाले हैं और जो आरआरबी क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, क्योंकि आरआरबी क्लर्क का एग्जाम नेक्स्ट वीक से है उसका प्री एग्जाम। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आरआरबी क्लर्क का प्री एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए फ्री मॉक टेस्ट का एक लाइव सेशन वीडियो लेकर आएंगे रोज दोपहर में 1:30 पर, यानी 1:30 बजे से। तो आज के उस सेशन से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उससे जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो बेनिफिशियल ही होगा, आपके लिए सहयोग लायक ही होगा, ठीक है। तो जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अब किसी अगले और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।